नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सीढ़ी की। सीढ़ी हमारा किस स्थान पर होना चाहिए और उसकी सही संख्या क्या हो, क्योंकि सीढ़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है आपके भवन में। चाहे वह आपका फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो या फिर कोई भी बिजनेस यूनिट हो, यदि सीढ़ी सही स्थान पर रहेगी तो उसका शुभ फल आपको अवश्य मिलेगा। सीढ़ी सिर्फ एक तल को दूसरे तल से जोड़ती ही नहीं है, बल्कि उस सीढ़ी के माध्यम से ऊर्जा का सही प्रवाह यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का भी आवागमन होता है व्यक्तियों के साथ साथ, और चुंबकीय तरंगों को यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को भी मेंटेन करने का काम सीढ़ी के द्वारा होता है, यदि वह सही स्थान पर होगी। यदि आपकी सीढ़ी सही स्थान पर होगी और उसकी संख्या सही होगी तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर, आपके व्यवसाय पर पड़ेगा। यदि सीढ़ी सही स्थान पर नहीं होगा तो आपके जीवन पर, आपके व्यवसाय पर उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसके दुष्प्रभाव से बचा नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सीढ़ी का निर्माण बिल्कुल सही स्थान पर हो और उसकी संख्या भी सही। सीढ़ी के निर्माण का सही स्थान और सही संख्या जानने के लिए हमारा ये एपिसोड अंत तक देखें, क्योंकि इस एपिसोड में मैं सीढ़ियों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, जिससे बहुत आसानी से आप सीढ़ी की संख्या कितनी हो यह भी आप खुद से निकाल सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य कमेंट लिखें, और क्वेरी भी कोई मन में आती है तो उस क्वेरी को भी आप लिख करके आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सीढ़ी का सही स्थान क्या होगा और सीढ़ी की सही संख्या क्या होगी। सीढ़ी हमेशा पश्चिम यानी कि वेस्ट या दक्षिण यानी कि साउथ दिशा में होनी चाहिए। किसी भी दशा में सीढ़ी पूर्व यानी कि ईस्ट, उत्तर यानी कि नॉर्थ या ईशान के कॉर्नर पर नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों का द्वार पूर्व यानी कि ईस्ट, दक्षिण यानी कि साउथ में होना शुभ माना जाता है। यदि सीढ़ियां घुमावदार बनानी है तो यह घुमाव हमेशा दाहिनी ओर यानी कि क्लॉकवाइज या सीधे हाथ को होगी। घड़ी की सुई की दिशा में यह घुमाव होना चाहिए। यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाव होगा तो घर के सदस्यों में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे। यदि अपार्टमेंट या फ्लैट में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी होगी तो पड़ोसियों के आपसी संबंध अच्छे नहीं होंगे, और बिजनेस यूनिट में यदि एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी का घुमाव होगा तो पार्टनर या कर्मचारियों में एक मत नहीं होगा, जिससे आपके बिजनेस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम यानी कि ऑड नंबर में होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में सीढ़ियों की संख्या सम यानी कि इवन नंबर में न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसका एक बहुत ही सरल फॉर्मूला है, इसे चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सीढ़ियों की जो भी संख्या आती है उसमें 3 से भाग दे देंगे। सीढ़ियों की जो भी संख्या होगी उसमें आप 3 से डिवाइड करेंगे, शेष यानी कि रिमाइंडर हमेशा 2 आना चाहिए। उदाहरण के लिए 5, 11, 17, 23, 29, इट मीन्स 5, 11, 17, 23, 29 आदि, इसमें से ऐसी संख्या रखनी चाहिए। लेकिन जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए, जैसे कि 20, 50 यानी कि 20 या 50 आदि, ऐसी संख्या में सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। 20 में भी अगर आप 3 से भाग देते हैं या 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, लेकिन पूरी संख्या में लास्ट में 0 होने की वजह से ऐसी संख्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे, सीढ़ी पर चढ़ते समय आपका फेस हमेशा पश्चिम यानी कि वेस्ट या दक्षिण यानी कि साउथ की ओर होना चाहिए। ऊपर जब आप छत पर पहुंचे तो उत्तर
यानी कि नॉर्थ या पूर्व यानी कि ईस्ट की तरफ निकलना शुभ होता है। सीढ़ी से उतरते समय अंत में आप पूर्व यानी कि ईस्ट या उत्तर यानी कि नॉर्थ की तरफ आप बाहर निकले तो यह काफी शुभ होता है। सीढ़ी कभी भी मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट से सीधी दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें, अन्यथा बाहर से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। सीढ़ियों के प्रारंभ और अंत में दोनों स्थानों पर मजबूत दरवाजे होने चाहिए। नीचे का दरवाजा ऊपर के दरवाजे से बड़ा या बराबर हो, लेकिन किसी भी दशा में यह छोटा नहीं होना चाहिए। सीढ़ी घर के एकदम बीचों बीच नहीं होना चाहिए, इससे घर के सदस्यों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। घर में प्रवेश करते ही एकदम ऊपर जाती हुई सीढ़ी न दिखाई पड़े, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। सीढ़ी के प्रारंभ में त्रिकोण स्टेप न बनवाएं। सीढ़ी की पहली पैड़ी कभी भी ट्रायंगल शेप की न हो। सीढ़ी के नीचे शौचालय, पूजा घर, बैठक या बेडरूम भी नहीं बनवाना चाहिए। सीढ़ी बनाते समय ध्यान रखें कि सीढ़ी पूर्व या उत्तर दिशा की दीवारों को स्पर्श न करे। इसके अलावा भवन को लपेटती हुई सीढ़ी भी शुभ नहीं मानी जाती है। तो मित्रों, आज के एपिसोड में हमने बताया कि सीढ़ी बनाने का सही स्थान क्या हो एवं उसकी सही संख्या क्या हो। यदि इस नियम का पालन करते हुए अपने घर, अपार्टमेंट, फ्लैट या अपने बिजनेस यूनिट में सीढ़ी का आप निर्माण करवाते हैं तो यह बहुत ही शुभ फलदायी होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, ताकि हमारी इस प्राचीन विधा का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करें, क्वेरी भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।